हाँ ये स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आज जो है हमारा अर्थशास्त्र का एक क्लास नंबर दो है और इसमें हम टोटल जो है इक्कीस प्रश्न लेकर आए हैं तो चलिए बिना देर के अपने प्रश्न पे चलते हैं इसका पहले वीडियो जो है एक हम डाल दिए थे और जो बचा हुआ जो प्रश्न था जो इसमें हम लेकर आए हैं देखिएगा आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है जो निकल कर आ रहा है हमारा छब्बीस से है पच्चीस प्रश्न इससे पहले हम दे दिए थे और बाकी से बच्चों हुआ जो है इसमें टोटल प्रश्न करवा रहे हैं एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों से भौतिक संसाधनों से मानवीय संसाधनों से इनमें से सभी संसाधनों से तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी संसाधनों से अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था उन्नीस सौ इक्यावन में उन्नीस सौ बावन में उन्नीस सौ चौवन उन्नीस सौ छप्पन तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उन्नीस सौ बावन में अगला प्रश्न है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है तो ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1950 सौ पचास उन्नीस से छप्पन बावन से सतावन या फिर चौवन से उनसठ तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उन्नीस सौ इक्यावन से छप्पन अगला प्रश्न है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता पर अधिकतम लाभ अर्जित करने पर उत्पादन कुशलता पर लोक कल्याण पर तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र या दोनों या कोई नहीं तो सही आंसर है सी दोनों अगला प्रश्न है बिहार एक राज्य है उद्योग प्रधान पशुपालन प्रधान खनिज प्रधान कृषि प्रधान तो सही आंसर है डी कृषि प्रधान अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास उत्पादन रोजगार सृजन निर्धारित से सभी तो सही आंसर है डी कृषि प्रधान अगला प्रश्न है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि कृषि पर अत्यधिक जन भार बाढ़ सूखा का प्रकोप उपयुक्त से सभी तो सही आंसर है डी उपयुक्त सभी अगला प्रश्न है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है राजकीय आय प्रति व्यक्ति आय राजनीतिक अस्थायित्व इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर बी प्रति व्यक्ति आय अगला प्रश्न है बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी कब हुई थी 1901, 1905, 1907, उन्नीस सौ तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1907 सौ ईस्वी में अगला प्रश्न है नंकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका श्रीलंका भारत इंडोनेशिया तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका अगला प्रश्न है अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है प्राथमिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर है ए प्राथमिक क्षेत्र में अगला प्रश्न है बिहार में किस प्रकार की फसल का उत्पादन होता है खाद फसलें व्यावसायिक फसलें दोनों कोई नहीं तो सही आंसर है सी यानी कि ए और बी दोनों अगला प्रश्न है निम्नांकित में किस क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र सेवा क्षेत्र में से तो कोई नहीं तो सही आंसर है बी कृषि क्षेत्र अगला प्रश्न है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं यातायात एवं संरचना संचार इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर है सी यातायात एवं संचार अगला प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन मनोरंजन या ये भी एवं दोनों कोई नहीं तो सही आंसर है ए जीविकोपार्जन अगला प्रश्न पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर है ए प्राथमिक क्षेत्र अगला प्रश्न है नंकित में कौन सा सामाजिक संचार चरण का अंग है अगला ऑप्शन तो है शिक्षा एवं शिक्षण स्वास्थ्य सेवाएं आवास उपयुक्त सभी तो सही आंसर है डी उपयुक्त सभी अगला प्रश्न है समान्यता इस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है प्रति व्यक्ति आय साक्षरता दर स्वास्थ्य की स्थिति इनमें सभी तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी अगला प्रश्न है निम्नाकित में किस क्षेत्र का को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है औद्योगिक कृषि सेवा इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर है बी कृषि क्षेत्र अगला प्रश्न विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई उन्नीस सौ अस्सी उन्नीस सौ तिरासी उन्नीस सौ पचासी उन्नीस सौ नब्बे तो सही आंसर है बी उन्नीस सौ तिरासी में अगला प्रश्न है आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल से दीर्घकाल से या दोनों या कोई नहीं तो सही आंसर है बी दीर्घकाल से अगला प्रश्न सॉरी आज का प्रश्न इतना ही है अब समाप्त हो गया है इससे पहले कि हम अब दूसरे अगला वीडियो में जो है दूसरे टॉपिक लेकर आएंगे और हमारे वीडियो को जब भी देखें जब पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी वीडियो डालें तो हम हमारा जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें थैंक यू